नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई का विरोध प्रदर्शन। जेएनयू कैंपस खोलने और हॉस्टल अलॉट करने की मांग के साथ छात्र 6 दिन से धरने पर। हड़ताल पर रोक लगने के बाद रक्षा कर्मचारी संघ OFB के निगमीकरण के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 34,973 नए मामले, 260 मरीजों की मौत। त्रिपुरा में 9 सितंबर को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसमें 3 दफ्तरों में आग लगा दी गई और करीब 10 कार्यकर्ता घायल हुए। पार्टी ने इसका इल्ज़ाम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, साथ ही राज्य में मीडिया पर भी हमले हुए हैं। आज 10 सितंबर को इसके खिलाफ CPIM दिल्ली ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन याद रख लीजिए, इस लाल झंडे को दबाने की कोशिश अगर करना चाहते हो आप, इतिहास गवाह है कि वो कभी ना हो सका ना वो होगा। मैं इस रूप में देखती हूँ कि ये हमला केवल CPIM या लाल झंडे पर नहीं है, है तो है, लेकिन ये हमला जनवाद के ऊपर है, संविधान के ऊपर है, जनवादी अधिकारों के ऊपर है, ऑपोजिशन की चुने हुए ऑपोजिशन लीडर के अपने कंस्टिट्यूएंसी में भी जाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो पूरे तौर पर ये BJP सरकार, क्योंकि जनता से अलग थलग हो रही है, तो एक ज़बरदस्त हमला जो है डेमोक्रेसी पर, ऑपोजिशन पर, और विशेषकर क्योंकि CPIM ही लड़ रही है वहाँ, CPIM के ऊपर है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के आधार पर जो गणराज्य है हमारा, उस गणराज्य पर ही हमला। हमारे कॉमरेड के ऊपर ये हिंसा हुआ, हमारे दफ्तरों के ऊपर ये हिंसा हुआ, यही काम हिटलर भी करना चाह रहा था, रूस के ऊपर, समाजवादी रूस के ऊपर हमला करके। लेकिन आखिरकार हिटलर को हरा कर कौन सा झंडा फैला उसके दफ्तर के ऊपर? यही लाल झंडा फैला जो हिटलर को हराया था। उनकी कुल आबादी 35 लाख है और उस 35 लाख जनता के बीच में इस तरह पूरी तरह आतंक फैला के भाजपा आरएसएस सोचती है कि इसी तरह वो अपने प्रभुत्व को कायम कर सकते हैं। अभी कॉमरेड तिवारी ने जिक्र किया, ये सब हमले के बावजूद अभी तक CPIM को, CPIM के आंदोलन को वो दबा नहीं पाए हैं। पिछले इतवार को कॉमरेड माणिक सरकार, जो वहां विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे पार्टी पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, वो अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने, वहां की जनता के मांगों को रखने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन अगरतला से जाते समय 3 बार उनके काफिले पर हमला हुआ, पुलिस भी कोशिश की उनको रोकने के लिए, लेकिन हमारे साथी मुकाबला करके रास्ता खुलवा के उनको वहां पहुंचाया। ये पूरे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग करके, पुलिस को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके, 1-2 जगह ऐसे भी हुआ कि हमले के 15-20 मिनट पहले पुलिस को विथड्रॉ किया गया वहाँ, ताकि हमलेवार जो है पूरा लाइसेंस मिलकर करे, और कुछ इलाके में पुलिस साथ दे रही थी। तो इसलिए ये पूरा जो मामला है, मैं समझती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का जनवाद के ऊपर हमले का, जो पूरे देश में चल रहा है, उसी का एक वो प्रक्रिया है। और इसलिए आज हम लोग ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें एक जिम्मेदारी है कि वो उनकी सरकार है, वो उनकी लीडर्स हैं, रुकवाने के लिए उनको तुरंत कदम होना चाहिए। कितना भी आप कोशिशें कर ले और किस तरीके की हरकतें की त्रिपुरा में, कॉमरेड दशरथ देव जो वहां के आदिवासियों के एक महान नेता,
जिनके नेतृत्व में आदिवासियों की लड़ाई जब हो रही थी अपने देश की आजादी के समय, वहां के जो रजवाड़ा है उस रजवाड़े के खिलाफ, उस राजा के खिलाफ, उस लड़ाई में कॉमरेड दशरथ देव के नेतृत्व में इन पूरी आदिवासियों के समूह, उनका जो किला है उस किला को घेरा और सीधा राजा को संदेश भेजा कि आजाद भारत के अंदर नहीं जुड़ोगे आप तो आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। उस वजह से त्रिपुरा जुड़ा है भारत में। यह है योगदान निजलाल झंडे की और उस कॉमरेड दशरथ देव की। अब उसी की मूर्ति को कल जो है वहां पर उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की, उन्हीं की मूर्ति को, जो ये कोशिश में है। क्यों है ये हमला लाल झंडे पे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पे? क्यों है ये हमला हमारे वामपंथी ताकतों? क्योंकि अगर डटकर कोई खड़ा रहा देश के अंदर धर्मनिष्ठता के ऊपर, अगर उन उसूल को बरकरार रखने के लिए कोई खड़ा रहा, वो है ये लाल झंडा, और यही करते रहेगी ये सिपाही। हम है देश के सिपाही, हम इस देश को बचाएंगे। जो ये बर्बाद करना चाहते हैं उनसे इस देश को बचाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 6 दिन से कैंपस खोलने और हॉस्टल अलॉट करने की मांग के साथ धरने पर हैं। न्यूज़ क्लिक ने कैंपस का दौरा किया और छात्रों की मांगें जानने की कोशिश की, आइए देखते हैं। पिछले 5 दिन से JNU स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे DOS के जो सामने है JNU में, हम लोग एक इंडिफिनाइट स्ट्राइक में बैठे हैं और स्ट्राइक का मांग यही है कि जो छात्राएं 2020 बैच के हैं उनके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट जल्द से जल्द शुरू किया जाए और उनके लिए कैंपस को खुलवाया जाए। जो फर्स्ट ईयर बैचेस है 2020 में जिसका एडमिशन हुआ था लेकिन 21 में जिनका क्लास शुरू हुआ है, उनका इस समय पे इतना बुरा हाल है कि डिजिटल डिवाइड के वजह से उनको ड्रॉप आउट अपने कोर्सेज से करना पड़ रहा है। मैं JNU का एक नया स्टूडेंट हूँ और मैंने इसी बार एडमिशन लिया MPhil में। गया से आता हूँ, यहाँ से तकरीबन 1,000-1,500 किलोमीटर है। हमारी क्लास में अलग अलग जगह से लोग आए, हम लोग 6 लोग ही क्लास है और सारे रिसर्च कर रहे हैं, MPhil के लोग हैं। तो बहुत एक आसाम से हमारी दोस्त हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत हो रहा है कि उनके यहाँ बाढ़ आया है और उसके बावजूद उन्हें कहा जाता है कि आप असाइनमेंट लिख दीजिएगा। मैं समझ रही हूँ आपकी दिक्कत क्या है, लेकिन उसके अलावा आप असाइनमेंट मुझे दे दीजिएगा, प्रोफेसर कहती हैं। वो कहाँ से करेंगी, उनका नेटवर्क इशू है। उसके अलावा मैं जब बिहार में था तो मुझे भी नेटवर्क के लिए दूर जाना पड़ता था। तो एक समस्या ये है कि हम बिल्कुल ही सहज नहीं हो पा रहे हैं इस सिस्टम से अभी तक। कि यही मांग है कि एक तो ऑनलाइन ID कार्ड का सिस्टम किया जाए, जहाँ से जो स्टूडेंट घर पे है वो लोग एक यूनिवर्सिटी का उनका जो एक स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट है, इसका एक उनको प्रूफ मिल पाए। दूसरा ये है साथ साथ कि हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर बैचेस सबके लिए, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर्स हो, मास्टर्स, BA के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए स्टार्ट हो। अब इन पिछले 5 दिनों में हमारा 2-3 बार DOS जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स है प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह, उनके साथ बात हुआ है और अभी भी बात हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज या कल तक एक सर्कुलर आना चाहिए। तो हमारे तरफ से यही अल्टीमेटम है कि अगर सर्कुलर कॉन्क्रीटली पॉजिटिवली स्टूडेंट हित में नहीं आएगा तो इस स्ट्रगल को इंटेंसिफाई आने वाले दिन में JNU करेगा और ये तब तक स्ट्रगल चलेगा जब तक ना हम लोगों को मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉटमेंट मिलता है। एक बड़ी समस्या यहीं पे दिखती है कि दिल्ली में सब कुछ खुला हुआ है और यूनिवर्सिटी नहीं खुला हुआ है। फिर पता चलता है, पता क्या चलता है, ये है यहाँ की प्रशासन का कि वो किस चीज़ से डर रहे हैं। और हम लोग JNU में एडमिशन इसीलिए लिए हैं कि JNU का एक कल्चर है कि हम क्लास के बाद भी यहाँ के लोग बताते हैं कि ढाबा पे बैठ के उस पर डिस्कशन होता है, चीज़ों पर बात होती है, उसका एक रेशनली एक बात होती है और उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। हर आवाज़ उठती है यहाँ से। मैं ये भी जानता हूँ कि भारत में कहीं भी कुछ होता है तो JNU से आवाज़ सबसे मुखर आवाज़ निकलती है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर की बात हो, चाहे एक क्लास में नल नहीं चल रहा हो उसका सवाल हो, चाहे फिलिस्तीन का सवाल, हर सवाल पे JNU बोलता है। तो इनको इस बात का डर लगता है कि जैसे ही हम कैंपस खोलेंगे तो यहाँ के छात्र एक्टिव होंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे और फिर जितने भी चीज़ें चल रही हैं, जो पॉलिसी है नई सरकार इम्पोज करना चाह रही है, उसके खिलाफ JNU बोलेगा। हम लगातार यहाँ पर स्ट्राइक किए हुए हैं, हमें बहुत शौक नहीं है स्ट्राइक करने का, हमें बहुत शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुले। और सिर्फ अपनी बात मैं नहीं करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और यहाँ पे जितने लोग हैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, उस तीसरे की बात कर रहे हैं जिसका नेटवर्क नहीं है, उस दूसरे की बात कर रहे हैं जिसका नेटवर्क जो असक्षम है उस ऑनलाइन मोड से पढ़ने के लिए, उसकी ही बात हो रही है। पिछले महीने संसद में केंद्र सरकार ने एक बिल पास करवाया जिससे उसे आवश्यक सैन्य सेवाओं के क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार मिल गया।
इसके बाद तमाम रक्षा कर्मचारी फेडरेशनों ने आयुध निर्माण बोर्ड को बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों में रक्षा कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने आवश्यक रक्षा सेवा यानी ईडीएस विधेयक 2021 और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आयुध कारखानों के निगमीकरण के फैसले दोनों के खिलाफ ही कई याचिकाएं दायर की गई हैं। न्यूज़ क्लिक को प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य रक्षा संघों से भी आने वाले दिनों में इस संबंध में कानूनी सहारा लिया जाने की उम्मीद है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी AIDEF की ओर से इस हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ताकि केंद्र को OFB के निगमीकरण के अपने फैसले को लागू करने से रोका जा सके। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार 10 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 34,973 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 260 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 37,681 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 2,968 मामले कम हुए हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,31,74,954 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,42,009 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.49% यानी 3,23,42,299 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 1.18% यानी 3,90,646 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की अब तक 72,37,84,586 डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 67,58,491 वैक्सीन की डोज बीते 24 घंटों में दी गई है। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंड में आज बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।